नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब पुलिस पर अब अक्सर झूठे ड्रग केस दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा ही एक केस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। युवकों को मोहाली से उठाकर फरीदकोट में गिरफ्तारी दिखाने के आरोप लगे हैं। वहीं जिस डीएसपी पर आरोप है, वह ड्रग सप्लायर से 10 लाख रिश्वत मामले में बीते जुलाई में अरेस्ट हो चुका है। हाईकोर्ट ने युवकों पर 30 नवंबर को आरोप तय की ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर हाईकोर्ट की अगली हियरिंग तक रोक लगा दी है। पंजाब सरकार को मामले में 21 दिसंबर से पहले याचिका पर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मामले में ट्रायल कोर्ट की आरोप तय की सुनवाई रोकने की मांग की गई थी, जिस पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के 28 अक्टूबर को जारी नोटिस पर जवाब पेश नहीं किया और समय की मांग की गई। फरीदकोट की सेंट्रल जेल में बंद मानसा के सुखचैन सिंह 22 ने हाईकोर्ट से मांग की है कि 7 मई 2022 को फरीदकोट में उसके खिलाफ दर्ज केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। वहीं मामले में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जिन्होंने उसे झूठे केस में फंसाया है। साथ ही केस की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के बाबू भाई जमुना दास पटेल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2009 केस में सुनाई फैसले के आधार पर की जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।